स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट हिल में। इस वीडियो में बात करेंगे स्नोमैन लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में। 38 रुपए भी ये स्टॉक चल रहा है और इस कंपनी का Q4 के नतीजे अनाउंस होने वाले हैं, तो वो डेट क्या रहेगी, किस डेट को अनाउंस होने वाला है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। एज वेल एज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, इस पर हम बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप काफी कम है, 640 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप के अंडर ये आती है। स्टॉक का वैल्यूएशन यहाँ पे हाई बताया जा रहा है, 432 है, यानी कि काफी ज्यादा है, हाई है। और ऐसे स्टॉक जिसके वैल्यूएशन हाई होती है उसमें हमें थोड़ा सा सावधान होकर के इन्वेस्ट करना चाहिए। 25 रुपए का बुक वैल्यू है और 38 रुपए का करेंट प्राइस है। 60 रुपए का ऑलमोस्ट ये स्टॉक हाई लगा चुका है और 30 रुपए का लो लगा चुका है एक साल में। और डिविडेंड अनाउंस नहीं किया कंपनी ने, इसलिए आपको 0% देखने को मिल रहा है। कंपनी का ROC यहाँ पे 3% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 0.01% है। हालांकि अगर ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न अगर अच्छा दे देगी तो यहाँ पे ROE आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। कंपनी का बिजनेस की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, मतलब कि कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड कंपनी काम करती है। और गर्मियों के समय में ऐसा माना जाता है कि इस कंपनी की डिमांड आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसा होता भी है, लेकिन इस स्टॉक पे मैंने जैसा कि एनालिसिस की थी उसकी वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी, उस पर मैंने आपको ये बताया था कि गर्मियों के समय में इस स्टॉक में ज्यादा फर्क देखने को अभी तक नहीं मिला है। हालांकि पहले मिलता था, अभी आगे अगर बात करें पिछले कुछ सालों पहले की, तब यहाँ पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता था। वहां पे हमें गर्मियों के समय में ये स्टॉक हमें काफी अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिलता था, लेकिन कुछ सालों से ये स्टॉक हमें उल्टा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। सर्दियों के समय में स्टॉक बढ़ता है और गर्मियों के समय में गिरता है। यहाँ पर अब ये नहीं पता मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जैसा मैंने एनालिसिस की वैसा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस वीडियो को यहाँ पे जरूर चेक करिएगा, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाए, टैग मिल जाएगा। डेप्थ की बात करें तो कंपनी पर डेप्थ बढ़ चुका है, 131 करोड़ का डेप्थ था पहले, लेकिन अब 248 करोड़ का हो चुका है। कंपनी के पास रिजर्व है 702 करोड़, मतलब की संपत्ति कंपनी की कितनी है, 702 करोड़ की है। 254 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। प्रमोटर की होल्डिंग 40% से ज्यादा है और सेल्स ग्रोथ 17% आई है। कंपनी अगर हम देखें कि सेल्स बढ़ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले 3 क्वार्टर में इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट अगर बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पे थोड़ा सही है। पिछले 3 अगर आप क्वार्टर में देखेंगे तो एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट में है। यहाँ पे एटलीस्ट देखेंगे तो कंपनी लॉस में थी, बट एट करेंट टाइम कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो Q4 के नतीजे आएंगे तो उस पर आपको फोकस रखना होगा। शेयर प्राइस काफी ज्यादा डिपेंड करेगा Q4 के नतीजे पे। Q4 का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, 40% की हिस्सेदारी प्रमोटर की है, 1.74% FI की है। FI ने यहाँ पे हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ाई है 0.06% और DI की होल्डिंग 0.39 है और पब्लिक की है 57.62%। तो कंपनी का जैसा कि हमने फंडामेंटल देखा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि डेप्थ कंपनी पर इंक्रीज हुआ है, लेकिन हाँ सेल्स कंपनी की बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। तो अगर हमें इन्वेस्ट करना ही है लॉन्ग टर्म के लिए तो एक छोटा अमाउंट अगर हम लेके आते हैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए तो काफी अच्छा रहेगा। वैसे 20% का सर्किट फिल्टर है स्टॉक का, यानी एक दिन में मैक्सिमम ये स्टॉक 20% बढ़ सकता है। तो जिस भी दिन रिजल्ट आएगा Q4 का, वो मैं भी आपको डेट बताऊंगा कि कब आ रहा है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ये स्टॉक आपको अगर अच्छा इसका Q4 का नतीजा आया तो ये ऐसा भी हो सकता है कि 20% का अपर सर्किट लग जाए इसमें। अब बात करते हैं कि कंपनी का रिजल्ट अनाउंस हो कब रहा है। 25 अप्रैल 2022 को कंपनी अपना रिजल्ट क्वार्टर 4 का अनाउंस कर रही है। 25 तारीख को आपको यहाँ पे फोकस बनाए रखना होगा अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कंपनी पर, तो क्योंकि कंपनी के जैसे भी नतीजे आएंगे आपको स्टॉक का प्राइस पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्शन जो भी होगा वो स्टॉक के प्राइस में आपको अल्टीमेटली देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक का जो भी रिजल्ट आए वो आपको पता चल जाए, सही टाइम पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि कंपनी प्रॉफिट पे रिजल्ट आया है कंपनी का या फिर लॉस में आया है। आ चुके हैं हम इस स्टॉक के चार्ट पे। यहाँ पे अगर हम इतने यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी तक अगर हम चार्ट पैटर्न देखें जो कि 1 साल 1.5 साल के करीब यहाँ पर है, तो यहाँ पर कैसा पैटर्न हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है, फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें स्टार्टिंग में जो रेंज रहती है वो काफी ज्यादा रहती है, उसके बाद जैसे जैसे स्टॉक ट्रेड करता है, टाइम बीतता जाता है, उसके बाद स्टॉक काफी पतले रेंज में ट्रेड करने लगता है। वैसा ही हमें यहाँ देखते हुए मिल रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसकी रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक काफी ज्यादा है और अब तक रेंज काफी कम हो चुकी है। तो यहाँ जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होगा ये स्टॉक आपको अच्छे लेवल पे देखने को मिलेगा।
तो यहां पर एंट्री लेने का मौका कब बनेगा, जब इसका ब्रेकआउट हो जाए विद बिग वॉल्यूम, मतलब ज्यादा वॉल्यूम आए एज वेल एज बड़ी कैंडल बने, तब यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और इसका रिफ्लेक्शन लेकर के आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। आप इतना पॉइंट कैलकुलेट करिए कितना पॉइंट है, उसके बाद आप उतना ही पॉइंट टारगेट कर सकते हैं, टारगेट उतना आपका हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कितना पॉइंट है, 41 और यहाँ पर है 30, तो यहाँ 11 पॉइंट है। अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो आपको 11 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, यानी ये स्टॉक 51 या 52 रुपए तक जा सकता है अगर इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छी लग रही होगी, कमेंट जरूर करिए अगर आपको अच्छी लग रही है, और आप बताइए इस स्टॉक के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टॉक को बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एनालिसिस के बाद स्टॉक को बाय सेल करने के बारे में सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।